नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश में एक प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण अब लागू हो चुका है और इसे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है, युवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्राइवेट कंपनीज को हर तिमाही पर अपनी वैकेंसी ऑनलाइन बतानी होगी। जब भी कोई भी वैकेंसी होगी तो उसमें 30,000 से कम तनख्वाह वाली नौकरी में हरियाणा के युवाओं को 75% भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। भर के अंदर 75% रिजर्वेशन लागू है और मैं तो मानता हूँ कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हरियाणा के युवाओं के लिए, जो प्रतिबंध करता है तमाम प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, इंडस्ट्रीज, सबको कि वो अपने आप को अब रजिस्टर करें और हर क्वार्टरली अपना डाटा ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, डाटा ऑफ रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। और पूरी तौर पर इसमें जो डिले आया वो फुल प्रूफ करने के लिए ही आया कि हमारी ओर से इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो और हरियाणा के युवाओं को बराबर रोजगार का अधिकार मिले। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिन रात काम कर पोर्टल भी बना दिया है, अपनी हेल्पलाइन भी बना दी है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब पूरी तरह तैयार है, जो हर कंपनी को बाधित करता है। आज से पहले बाधित नहीं करता था, अब बाधित करता है कि कोई भी इम्प्लॉयमेंट वो करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को उसका डाटा भी उस पोर्टल पे शेयर करेंगे और अपनी जितनी वैकेंसीज पब्लिश हैं उसको गवर्नमेंट पोर्टल पर पब्लिश कर आम जन को उसकी नोटिफिकेशन भी देने का काम करेंगे कि हाँ हमारे पास 4 नौकरियाँ हैं 30,000 से नीचे की, तो 3 हरियाणा के मूल निवासियों के लिए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए हरियाणा बीजेपी लगातार जुटी हुई है। नेताजी के 175वीं जयंती की तैयारियों को लेकर नू की पोर्टल पटेल वाटिका पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ग्राम प्रमुख और वार्ड प्रमुख की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार कम से कम 6 लाख लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद करें। भाजपा इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मेवात जिले में भी हर गाँव में हर वार्ड स्तर पर कम से कम 75 लोग उनकी जयंती के अवसर पर एकत्रित हो। उन्होंने आगे कहा कि जब वो पंचायत मंत्री बने थे तब उन्होंने हर गाँव में गौरव पट लगवाए थे ताकि हर गाँव की स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीदों को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान मिल सके और उन्हें हमेशा याद किया जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस पर पूरे हरियाणा में हर पंचायत में और हर वार्ड में हम ये पराक्रम दिवस मनाएंगे और हरियाणा के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, जितने भी ज्ञात हैं और अज्ञात को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी शहीद हैं उनका सम्मान करेंगे, आज़ाद हिंद फौज के तराने गाएंगे और एक तरह से जो 90 साल की लड़ाई है 1857 से लेकर 1947 की, उस लड़ाई के भिन्न भिन्न घटनाओं को जो जो भी उसके जानकार हैं उन सबको हमने कहा है कि आप आएँ, इन कार्यक्रमों में सहभागी बने। जिनके परिवारों के लोग थे उनको सबको बुला के सम्मान करेंगे और इस आज़ादी की सारी इस याद को जो है इस अमृत महोत्सव में जो है लेकर आएंगे। और इस बार का जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती पराक्रम दिवस है, हरियाणा भर में 6 लाख लोग इसमें सहभागी होंगे। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार ने लोगों को डरा दिया है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती के आदेश भी दे दिए हैं लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच जो लोग हैं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार मार्केट में, जहां आप देख रहे हैं जो लोग हैं बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है गुरुग्राम में जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ, पिछले 24 घंटे में 9,000 मामले सामने आए थे जिसमें से 3,349 मामले सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम जिले से सामने आए हैं। तो जिस तरीके से सरकार ने
लोगों से अपील की है कि वो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकले, यदि बाहर निकले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन गुरुग्राम में उसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है, लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में लगातार जो नंबर ऑफ केसेज है कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा सख्ती की बात कही गई थी, लेकिन अभी सदर बाजार के इलाके में एक भी पुलिस का जवान मौजूद नहीं है। खुद दुकानदार बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो साथ ही साथ जो यहाँ ग्राहक पहुंच रहे हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, और साथ ही साथ अपनी जिम्मेवारी जब वो समझेंगे और उसी के बाद बढ़ते हुए जो कोरोना के मामले हैं उन पर नकेल कसी जा सकती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। पंचकुला पुलिस ने हरियाणा कांस्टेबल भर्ती में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 संदिग्धों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति को राउंडअप किया गया है जो खुद को एक सरकार डिपार्टमेंट में कार्यरत बताता है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पंचकुला के DCP ने इस पूरे मामले में SIT गठन की है, जो अब इस पूरे मामले की जाँच करने में जुट गई है। एक लंबी चौड़ी टीम इस पूरे मामले पर पूरे हरियाणा में कई जगह पर रेड करने के लिए गई हुई है, और ये गिरोह असली कैंडिडेट्स की जगह फिजिकल टेस्ट और एग्जाम्स में नकली कैंडिडेट्स बिठाता था। इसके लिए दोनों के बकायदा अलग अलग पैसे भी थे। फिजिकल टेस्ट के लिए 4 से 5 लाख और एग्जाम के लिए 3 से 4 लाख रुपए अभ्यर्थी से ले जाते थे। इसमें 100 से ज़्यादा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में कैंडिडेट्स पर गाज गिर सकती है। HSSC भर्ती वाला है, उसी में गिरफ्तारियां हुई थी। एक मुकेश था, उसकी कल गिरफ्तारी हुई है, 2 पहले से अरेस्ट है। सर, इनको कोर्ट में पेश किया, सर क्या बोला? कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया है आगे की। भिवानी में नियम 134 के तहत दाखिला ना देने वाले निजी स्कूल्स पर अब जल्द ही गाज गिर सकती है। ऐसे 100 स्कूल्स को नोटिस जारी किया गया है, अगर फिर भी उन्होंने दाखिला नहीं दिया तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने 134A के तहत दाखिला नहीं देने के लिए बच्चों के एग्जाम लिए थे, लेकिन परीक्षा के बाद उन्हें स्कूल अलॉट भी किए गए। वहीं स्कूल अलॉट किए जाने के बावजूद भी बच्चों को निजी स्कूल्स ने दाखिला नहीं दिया। इसी को लेकर आए दिन जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी पंचकुला निदेशालय को दी थी। निदेशालय ने इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूल्स को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। से में हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा को लिखित में दे रखा है कि जब तक हमारा 9 से +2 के पैसे का समाधान नहीं होता और इन स्कूलों को पैसा रिलीज नहीं किया जाता, तब तक हम एडमिशन नहीं करेंगे। अभी सुनने में आया है कि हमारे डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए हैं, तो नोटिस का जवाब भी देंगे और 1-2 दिन में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा मंत्री जी से मिलने का हमारा प्रयास है, और बैठ के बातचीत करके तो समाधान होता है तो हम दाखिला दे देंगे। हमने 6 साल से इन बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, 9 से +2 तक का तो अभी कोई पैसा ही निर्धारित नहीं किया है सरकार ने, तो 6 साल का हमारा पैसा पेंडिंग है। और जो सेकंड क्लास से और 8वीं तक का जो बकाया है उसके बारे में भी 1-2 दिन में शिक्षा मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से बैठ करके टेबल टॉक करके और इसका समाधान हो जाएगा, हम बच्चों को दाखिला देने के लिए तैयार हैं। तेज बारिश से पिछले हफ्ते 4 बार क्षतिग्रस्त होने के बाद से गोहाना फ्लाईओवर मरम्मत का काम यहां पर शुरू हो चुका है। फ्लाईओवर की बारिश के बाद से कई बार सड़क धस गई थी, जिसमें एक ट्रक भी फंस गया था। प्रशासन फ्लाईओवर की मरम्मत नहीं करवाकर लीपापोती लगातार कर रहा था। इसके बाद से इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया और इसके बाद से अब फ्लाईओवर की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। बेमौसमी बारिश के चलते सोनीपत का गोहाना रोड फ्लाईओवर धस गया था, और 4 बार धसने के बाद प्रशासन की आँख खुली, क्योंकि यहां पर एक ट्रक धस गया था और जिसकी वजह से पुल कभी भी गिरने की संभावना बनी हुई थी। तस्वीरें देख सकते हैं, अब यहां पर काम जो है वो शुरू हो गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिट्टी उठाने का कार्य जो है वो यहां पर चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से काफ़ी एरिए में पुल धस गया था और इसके बाद जो है संयुक्त रूप से यहाँ पर PWD विभाग, नगर निगम में और NHI ने मिलकर इसका जिम्मा लेते हुए काम को आगे बढ़ाया,
और दावा किया जा रहा है कि 10 दिन के भीतर ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है सोनीपत से गोहाना हिसार समेत कई जिलों को कनेक्ट करता है और यहीं से सभी अधिकारी मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं और अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है। देखना ये होगा 10 दिन के भीतर ये काम सुचारू रूप से कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि मुख्य मार्ग पर स्थानीय लोगों समेत जो अन्य लोग हैं उनको भी परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी गहरा गड्ढा अभी यहाँ पर बन चुका है और मिट्टी लगातार निकाली जा रही है, क्योंकि ये चेक किया गया था पिछले दिनों, मिट्टी की यहाँ पर सैंपलिंग ली गई थी, उसके बाद उसको लैब भेजा गया, उसके बाद ये भी देखा गया कि आखिर ये कहाँ कहाँ तक खोखला हो चुका है और उसी लिहाज से ये काफ़ी लंबा टुकड़ा है उसको यहाँ पर अब खोदा जा रहा है और खोदने के बाद उसको पूरा दोबारा बनाया जाएगा। 10 दिन के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। पलवल से जयपुर चलने वाली रोडवेज की बस पिछले साल कोरोना काल में बंद हो गई थी। अब विभाग ने घाटे से उभरने के लिए दोबारा से इस रूट पर रोडवेज बस सर्विस बहाल करने का फैसला लिया है। बस को सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना काल में रोडवेज विभाग की बसों के कई रूट्स पर बंद किया गया था। बसों के बंद होने से विभाग को लाखों का नुकसान भी हुआ है। अब विभाग धीरे धीरे करके उन रूट्स पर एक बार फिर से बस सेवा बहाल करने जा रहा है। विभाग ने पलवल से जयपुर जाने वाली बस सेवा को बहाल करने का फैसला लिया है। इस रूट पर सोमवार से रोडवेज विभाग की बस एक बार फिर से दौड़ने लगेंगी। की परेशानी की वजह से ही इस गाड़ियों को चलाया गया है। आने जाने में जो यात्री जयपुर की तरफ जाएंगे सबको इस गाड़ी का चलने से लाभ होगा। की वजह से हमारे यहाँ पर वैक्सीन के लिए टीम आई हुई है और जो भी यात्री बैठेगा, जो यात्री यहाँ बैठेगा उसका हम कोविड सर्टिफिकेट चेक करेंगे। करीना उपमंडल के गांव सिहलंग के बस स्टैंड पर एक अध्यापक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के पिता ने बताया कि मेरा लड़का अध्यापक था जो कि गुरुग्राम स्कूल में लगा हुआ था। मृतक एक दिन पहले अपने घर से चला था और ये कहकर गया था कि किसी काम के लिए जा रहा है और वो फ़ोन भी नहीं लेकर गया था। शाम को हम सब लोगों ने उसकी हर जगह तलाश की लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद से उन्होंने बताया कि उनके लड़के की आँख पर चोट थी और नाक से खून भी निकला हुआ था। पुलिस जाँच में अब फिलहाल जुट गई है। रिवाड़ी में श्री गुरु गोविंद जी का प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरुवाणी के पाठ के बाद से भंडारे का आयोजन किया गया। रिवाड़ी के भाई जीवनदास गुरुद्वारे के प्रमुख ग्रंथी शेर सिंह ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया था, लेकिन धर्म पर आँच नहीं आने दी थी। हम उनके इस बलिदान के बदले उन्हें कुछ देने लायक तो नहीं है, लेकिन उनके इस बलिदान को उनके प्रकाशोत्सव के रूप में मनाकर उनकी यादों को जरूर साझा कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में पहली बारिश फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है और ये बारिश न सिर्फ गेहूं बल्कि गन्ना सरसों चना के अलावा सब्जियों में आलू टमाटर मटर और सभी फसलों के लिए लाभकारी है। किसानों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में जिले में बारिश फरीदाबाद पलवल और हथीन में सबसे ज्यादा हुई है। कृषि विशेषज्ञों ने इस बारिश के बाद से किसानों को सूरजमुखी की फसल की बुआई करने की सलाह दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद से हरियाणा पंजाब के साथ कई राज्यों में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के करनाल जिले के अंदर शीतलहर ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने सुबह के मौसम का हाल जाना, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सर्द मौसम में ठंड का असर प्रचंड है और ये आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। क्या है मौसम के मिजाज ये जानने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश, उनसे जानेंगे कि क्या रहने वाले हैं आने वाले दिनों में मौसम के हाल। जी डॉक्टर साहब नमस्कार सभी को। जैसा कि अब आज के मौसम की बात की जाए तो आज यहां पर करनाल के आसपास क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, यानी जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री से कम का है। तो ऐसी स्थिति को हम वैज्ञानिक शब्दावली में शीत दिन बोलते हैं, यानी आज के दिन की तापमान की बात की जाए
तो 13 से लेकर 14 डिग्री के आसपास है और न्यूनतम तापमान जो है वो 5.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो आज के तापमान की जो न्यूनतम तापमान है वो ऐसा तापमान है जहाँ पर शीतलहर बहुत प्रभावी है। अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो कल और परसों भी ये शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और कुछ स्थानों पर करनाल के आसपास जो कि गहरी से मध्यम धुंध का निर्माण भी होता रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो इस समय पर वातावरण में नमी की मात्रा वो बहुत अधिक है। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि जो पिछले दिनों में 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में जो दो पश्चिम विक्षोभ पास हुए हैं उसमें करनाल के आसपास क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। यदि करनाल की बात की जाए तो हमारे यहाँ करनाल में लगभग 72 mm बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश की वजह से अपने सभी जो खेती के अंदर जल भराव जैसी स्थिति है। यदि गेहूं की फसल की बात की जाए तो अपने करनाल के क्षेत्रों में 2500 हेक्टेयर से ज़्यादा के रकबे के अंदर गेहूं की फसल लगाई गई है और इस जो फसल के अंदर इस बारिश से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ना ही शीतलहर का कोई नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन जो हमारे अलग अलग जो फसलें लगाई हैं उसमें से प्रमुखता है सरसों की फसल, उसके अंदर थोड़ा सा नुकसान ये हुआ है कि अधिक वर्षा के कारण जल भराव जैसी स्थिति हो गई है, तो उससे जो फसल की है वो गिर गई है, यानी लोज हो गई है। अगर अंग्रेजी शब्द में बोला जाए तो लोजिंग बोलते हैं उसे हम। उसके गिरने का प्रमुख कारण यही था कि अत्यधिक वर्षा की वजह से। उसका उचित प्रबंधन कैसे करें, यानी नकारात्मक प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं हम, इसके लिए किसान भाई जो है अपने खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें और गेहूँ की फसल में भी पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा जो किसान पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए हमारी ये हम उनको ये सलाह देना चाहते हैं कि इस समय पर नवजात शिशु का अपने जो बछड़े हैं या कटनी हैं उनको विशेष ध्यान रखें और अच्छे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो अपने जो पशुओं को मिनरल मिक्सर ज़रूर खिलाएं और उनके आवास प्रबंधन को ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि ताकि उस पाड़े और शीतलहर से उनका बचाव किया जा सके। इसी तरह जो हमारे मछली पालक किसान भाई हैं उनके लिए हम ये सलाह देंगे कि इस समय पर अगर वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं यानी जो मच्योर मछलियां हैं उनको निकालने का कार्य कर रहे हैं तो वो रोक ले, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है वो बहुत कम है, इससे उनकी मछलियां मर सकती हैं, और नियमित अंतराल पर उसमें जो है ताज़ा पानी मिलाते रहें। और इस समय पर जो जिन किसानों ने मधुमक्खी पालन किया हुआ है उनके लिए हमारा ये निर्देश है कि इस समय पर न्यूनतम तापमान कम होने की वजह से वो कुछ मधुमक्खियाँ मर रही हैं, इस समय पर आप क्या करें अपने बक्सों को बंद करके रखें और उसके अंदर कृत्रिम आहार का प्रबंध करें, यानी आधा किलो चीनी और आधा किलो पानी का घोल बनाकर बक्सों के आसपास रख दें। आने वाले 2-3 दिनों में मौसम के क्या मिजाज रहेंगे? आने वाले समय का मौसम का ये मिजाज रहेगा जी, जो अभी आज की जैसी स्थिति है ये कल और परसों भी बनी रहेगी, लेकिन परसों दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर थोड़ा सा मौसम साफ हो जाएगा और न्यूनतम तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें ठंड से थोड़ा सा राहत मिलेगी परसों के दोपहर बाद से। उसके बाद 2 दिन तक ऐसा ही थोड़ा सा अच्छा मौसम रहेगा, फिर 19 तारीख को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वो कितनी बारिश करेगा, उसका क्या वर्षा का वितरण होगा, ठंड कैसी करेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताते रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जो शीतलहर का असर है वो आगामी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा, इसके बाद 19 तारीख को जो है बारिश हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इसका पश्चिमी विक्षोभ का असर कितना रहेगा वो बारिश के बाद ही पता चलेगा कि किन किन स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन ये जो हफ्ता है आगामी हफ्ता उसमें मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो 22 जुलाई 22 खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।